एक ही मैं कहूंगा कि अभी हमारे देश की जो उन्नति है, देश की प्रगति है, ये तो दुनिया के सामने है। जो 11वें इतने देशों की अर्थव्यवस्था अब खतरे में आने के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किसने किया है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तो सबके सामने है। और इसीलिए जो देश का नाम है दुनिया में रोशन हो रहा है, दुनिया देश को बहुत ही आदर सम्मान कर रही है, हमारे देश का, भारत देश का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मैं अभी विपक्ष क्या उनको थोड़ी अच्छा बोलेंगे, उनका तो विरोधी पक्ष का काम है। अभी तो यहाँ भी बायकॉट करते ना अच्छे काम में, वैसे उधर करते हैं। जनता जनता को पता है ये देश की अर्थव्यवस्था है, देश की प्रगति है, ये सर्व सामान्य जो लोग हैं, किसान जो लोग किसान हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किसानों के लिए, प्रगति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक घटक के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो निर्णय लिया है वो दुनिया के सामने है। और इसीलिए आपको बताऊंगा, G20 जो G20 20 देशों का G20 है, उसकी प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारे भारत देश की प्रगति हो रही है, नई ऊंचाई पे हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, और $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है उसको अचीव करने का जो सपना है, संकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के है, इससे उनको, उन्होंने, विरोधी पक्ष ने हमारे देश की प्रगति और उन्नति की सराहना करनी चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये देश की 140-130 करोड़ जनता यही तय करेगी। तो जनता को पता है किसने इतने सालों से देश को लूटा है, और किसने इस पिछले 8-9 सालों में ये देश की प्रगति जो है 70 साल में नहीं हुई, वो 9 साल में हुई है, ये तो जनता जानती है। और जनता बहुत ही समझदार है, बराबर समय सूचकता उसके पास है, बराबर निर्णय लेगी, और वो आप देखोगे। मैं इतना ही कहूँगा पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ, कि अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड है लोकसभा चुनाव के, ये सब रिकॉर्ड इस चुनाव में आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में टूट जाए।